हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। आप लोग शायद देखे होंगे, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, डिटर्मिनर पढ़े, प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है। आज दोस्त एक छोटा सा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम सभी लोग टेंस पढ़े हैं, हम लोग सभी लोग टेंस पढ़े हैं दोस्त। कुछ चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं आज टेंस से रिलेटेड। तो टेंस हम लोग का पढ़ा हुआ है दोस्त, ग्रेट। हम लोग टेंस का तीन टाइप जानते हैं, तीन तरह का टेंस होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं दोस्त, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस हम लोग पढ़े दोस्त, और फिर तीनों का अलग अलग चार चार हम लोग पार्ट पढ़े हैं दोस्त। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक का लिख देते हैं दोस्त, फिर हम लोग उससे कंटिन्यू कर लेंगे। इसका हम लोग कर लें तो इसको अगर हम लोग लिखें तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया दोस्त। चलो ठीक है, क्या आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर? आप बोलेंगे हाँ सर हमको मालूम है। तो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ट्रू। आपसे पूछा जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। हम आपसे पूछेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बोलेंगे वेरी गुड। हाँ आपसे पूछेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बोलेंगे वेरी गुड। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर क्यों होता है दोस्त? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्यों होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आखिर ये स्ट्रक्चर क्यों होता है? दूसरा सवाल, यदि होता है तो यही ही क्यों होता है, कोई दूसरा क्यों नहीं होता? ठीक है, पहला सवाल क्या था दोस्त? ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, और दूसरा ये होता है तो क्यों होता है, कोई दूसरा क्यों नहीं होता? कुछ और भी तो हो सकता था, बट यही क्यों हुआ? चलिए एक सवाल और है, ये स्ट्रक्चर सारे टेंस का है तो उस तरह से पास्ट टेंस का भी होगा दोस्त, उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी होगा। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त? मतलब आपके पास तीन सवाल है दोस्त। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा, ये जितना भी स्ट्रक्चर है यही ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता? कुछ और भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, यही ही क्यों हुआ? बस इतना सा हम लोग जानेंगे, टेंस पढ़ेंगे दोस्त, हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सवाल का आंसर ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आना चाहिए दोस्त, उसके बाद हम लोग
इसको उतना ही जल्दी सीखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। इसका सीरीज लाने वाले हैं हम लोग दोस्त, टेंस का पूरा सीरीज लाएंगे, फुल लेंथ टेंस पढ़ेंगे दोस्त, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आखिर ये होता है तो क्यों होता है, यही ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है, हर एक सवाल पढ़ेंगे दोस्त। चलिए मिलते हैं आपके कमेंट सेक्शन के साथ, बाय दोस्त।